नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जिनसे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया गया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, किस IIT कानपुर ने एक टीचिंग सेटअप को विकसित किया है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि आप मोबाइल से जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कनेक्टिविटी रहे और एक जो शिक्षा का काम है वो ना रुके। तो मेनली ये जो है ये टीचर्स के लिए है। इसमें एक स्टैंड बनाया गया है, इसमें मोबाइल को आप रख कर अपने जो नोट्स हैं उनके थ्रू आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे आज की पहली न्यूज़ को। हमारी आज की पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने, अभी जैसे आप सभी को पता है कि 59 चाइनीज ऐपों को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया भारत में। तो ऐसे में विश्व स्तरीय जो ऐप हैं भारत में भी प्रोड्यूस किए जा सके, उनको बनाया जा सके, इसके लिए अभी एक चैलेंज लाया गया था। वो कौन सा चैलेंज है, ऐप इनोवेशन चैलेंज। इसलिए बी आपका राइट आंसर है। चलिए डिटेल देखते हैं इसकी। तो ऐप इनोवेशन चैलेंज है, इसमें हुआ क्या कि प्रधानमंत्री जी ने ये चैलेंज शुरू किया। नाम क्या है, ऐप इनोवेशन चैलेंज। इस चैलेंज के तहत क्या होगा कि जो सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप हैं उनको पहचान में लाया जाएगा और जिसका जो बेस्ट ऐप रहेगा उसको अधिकतम 20 लाख रुपए तक की जो राशि है इनाम के तौर पे दी जाएगी। और डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ये इनोवेट चैलेंज है और इसके तहत क्या किया जा रहा है, इसमें ये उद्देश्य ये हो रहा है कि जितने भी ऐप हमारे इंडिया में चल रहे हैं अधिकतम जो ऐप हों हमारे देसी हों ताकि भारत को उससे राजस्व मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, इसका नाम क्या है। तो अभी ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में पहला अपना जो समाचार पत्रिका कार्यक्रम है उसको शुरू किया है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। अब ये होगा क्या, ये एक वीकली प्रोग्राम रहेगा, एक साप्ताहिक प्रोग्राम रहेगा, जैसा आप उसके नाम से ही जान सकते हो। ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि संस्कृत में शुरू किया जाएगा। अब ये इसके टाइम पीरियड क्या रहेगा, ये 20 मिनट का इसका टाइम पीरियड रहेगा। नाम इसका संस्कृत साप्ताहिकी है और ये कब चलेगा, हर शनिवार को, वीक में हर शनिवार को ये आएगा। कितने बजे, सुबह 7:10 पर, और 7:30 तक रहेगा, मतलब 20 मिनट के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, किसने शुरू किया, ऑल इंडिया रेडियो ने, क्या है पहला संस्कृत जो पत्रिका कार्यक्रम है और इसका नाम क्या है, संस्कृत साप्ताहिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो अभी फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री वो कौन है, वो हैं जियां कैस्टेक्स। अभी जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे जियां कैस्टेक्स के नाम की घोषणा की है। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एडवर्ड फिलिप, इन्होंने क्या किया है, हाल ही में 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया है। और इन्होंने जो जियां कैस्टेक्स हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है अभी लॉकडाउन को खोलने में, लॉकडाउन खोलने में जिस तरीके से वहाँ पे नियंत्रण लिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और देश की अर्थव्यवस्था भी ना रुके, ये सब देख के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इनका नाम सुझाया है। अब बात हो रही है फ्रांस की, तो फ्रांस जो है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ के राष्ट्रपति मैंने अभी बताया इमैनुअल मैक्रों, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो, और एक जो यूरो है वो 79 इंडियन रुपीज़ के बराबर है।
लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो अभी अभी क्या हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य ने क्या किया है, इंतजार आपका ये अभियान शुरू किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करना मध्य प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश के टूरिज्म की तरफ। और इसमें हो क्या रहा है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नाम क्या है, नाम है इस कार्यक्रम का इंतजार आपका। और इसके तहत क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड जो है प्रचार कर रहा है सभी जो टूरिज्म प्लेस हैं उनका। अब ये कहाँ शुरू किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश जो है हाल ही में काफ़ी खबरों में रहा है, एक तो राजनीतिक भूचाल वहाँ पे आया है भाई, सरकार पलट गई। और इसके बाद यहाँ पे जो कुछ योजनाएं रही, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये जो रेहड़ी विक्रेता हैं, जो ठेले ठेलियाँ लगाते हैं, उनके लिए 10,000 जो लोन दिया जा रहा है उस तरीके से ये योजना है। सबको रोजगार मिलेगा, जो मजदूर हैं मनरेगा के तहत उनको रोजगार दिया जा रहा है, सबको रोजगार मिलेगा योजना। चरण पादुका योजना, ये पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई थी। FIR आपके द्वार, ये एक नई पहल है जिसको गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा किया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है? अब नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ये क्या है, इसको समझना भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये बैंकों का एक समूह होता है जो क्या करता है, पर्यावरण के लिए काम करता है। तो अभी हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इस ग्रुप में शामिल हो गया है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो है केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो क्या करता है, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास, मेन थीम यहाँ पे यही है, पर्यावरण के विकास में योगदान देने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। और इसकी जो इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और हाल ही में अभी देखिए 23 जून को ADB को इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। अब बात यहाँ पे हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हिंदी में नाम होता है एशियाई विकास बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1966 को हुई थी और वर्तमान में इसके 68 देश सदस्य हैं। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नामक तत्काल ऑटो ऋण देने की योजना बनाई है? तो अभी देखिए एक योजना बनाई जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे COVID-19 जो महामारी है उसका सबसे ज़्यादा असर हुआ है निचले तबके पर, और जो सामान्य वर्ग है उसके जो मध्यम वर्ग है उसके जो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास है उस पर असर पड़ा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी अभी ऋण योजना चलाई जा रही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था शहरी पथ व्यापारी योजना इस तरीके से। तो अभी देखिए ये जिप ड्राइव जो नामक ऑटो ऋण योजना चलाई गई, ये भी इसी के मद्देनज़र चलाई गई है। तो इसको किसने शुरू किया, इसको HDFC बैंक ने शुरू किया है। चलिए देख लेते हैं इसको डिटेल से। इसमें होगा क्या कि 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नामक तत्काल ऑटो ऋण देने की योजना की घोषणा की गई है। और ये जो पेशकश है अब Tier 2 और Tier 3 शहरों तक भी पहुंचाई जा रही है। अब Tier 2 और Tier 3 शहर क्या होते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो Tier 2 और Tier 3 शहर ऐसे होते हैं, जो Tier 2 शहर वो होते हैं जनसंख्या के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है, जिनकी जनसंख्या 50,000 से 99,999 मतलब 1,00,000 से कम और 50,000 से ज़्यादा है जिनकी जनसंख्या, उनको हम Tier 2 शहर में रखते हैं। अच्छा,
और जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक और 50,000 से कम है, तो उनको हम टीयर 3 शहर में रखते हैं। तो ये जनसंख्या के आधार पर बांटे गए हैं, ठीक है। तो अब इनको जो है, ये जो योजना है HDFC बैंकों की, ये छोटे स्थानों तक भी पहुंचाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज को। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए स्वतंत्र और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अब देखिए, प्रशिक्षण छात्रों का और शिक्षकों का, स्टूडेंट्स और टीचर दोनों का प्रशिक्षण किया जा रहा है, तो इसके लिए साझेदारी किसके साथ की गई है? फेसबुक के साथ साझेदारी की गई है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, किसने साझेदारी की है? CBSE ने की है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब यहाँ पे देखिए, इसने किसके साथ साझेदारी की है? फेसबुक के साथ साझेदारी की है। ओके, अच्छा, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है संवर्धित वास्तविकता, छात्र प्रशिक्षण और शिक्षक प्रशिक्षण, ये तीन इसके मुद्दे हैं। अच्छा, अब बात यदि हम करें CBSE की, तो CBSE की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1952 में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? अस्तु मा सद्गम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। वर्तमान में अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन है? मनोज आहूजा, आई थिंक 22 मई को अभी बने हैं, और ये उड़ीसा कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है CBSE का। और इससे जो संबद्ध विद्यालय हैं, संबंध लिखा है, संबद्ध विद्यालय हैं कितने हैं? इससे एफिलेटेड जो स्कूल हैं भारत में 20,299 हैं, और विदेश में भी CBSE से एफिलेटेड स्कूल हैं 220 स्कूल हैं 28 अन्य देशों में। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारे अगली न्यूज़ को। निम्नलिखित में से किसे भारत के दक्षिण एशिया से ऑपरेटर्स एसोसिएशन के संचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो एयरटेल के CEO हैं अजय पुरी, उन्हीं को नियुक्त कर दिया गया है ऑपरेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। ये क्या है? भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी, CEO जिसको हम कहते हैं, अजय पुरी, और इसको क्या, इनको क्या बनाया गया? नया अध्यक्ष बनाया गया है। और जो रिलायंस जियो के अध्यक्ष हैं, कौन? PK मित्तल, इनको बना दिया है क्या? उसका उपाध्यक्ष। और टाइम क्या है? 2020-21 जो वित्त वर्ष है उसके लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। और इनने जगह किसके लिए? जो वोडाफोन और आइडिया के CEO हैं रविंद टक्कर की जगह इन्होंने जगह ली है। एयरटेल के जो CEO हैं ये बन गए हैं अब COAI के अध्यक्ष, ठीक है। और जो पुरी हैं, अजय पुरी 2004 से भारतीय एयरटेल के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज को। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में देखिए, बुक से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है हर एक एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ये ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक है, इसके लेखक कौन? तो आपको याद रखना है उर्जित पटेल, जो कि हमारे पूर्व, इसके पहले जो है हमारे RBI गवर्नर रहे, 24वें गवर्नर रहे, उन्होंने एक किताब लिखी है सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, दिसंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के रूप में इस्तीफा दिया था, ठीक है ना। और ये जुलाई में एक किताब जारी करेंगे। इस किताब का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और इस किताब में है क्या? तो भारतीय बैंकिंग के खराब ऋण संकट और इसके कारण, देखो, खराब ऋण संकट उसके कारण, और RBI गवर्नर के रूप में उसको कैसे निपटाया जाता है, इस चीज को उसमें दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, यह कहाँ स्थित है? तो आपको याद ये रखना है, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसको शुरू किया जा रहा है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब करेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जुलाई को, 10 जुलाई को उसको
शुरू करेंगे और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। और आज तक क्या हुआ है, जो 750 जो मेगावाट जो रीवा का अल्ट्रा मेगा पावर सोलर सोलर प्रोजेक्ट है, ये एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक कोई और नहीं बना है। अब इसके बारे में चलिए कुछ खास बातें जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को कहाँ बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, ठीक है, ये स्थान आपको याद रखना है। फिर इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, 1590 एकड़, और इसकी लागत जो है लगभग 4000 करोड़ रुपए है। अच्छा, इसके लिए वर्ल्ड बैंक से लोन मिला हुआ है कितना, 31 जनवरी 2018 को लोन मिला था लगभग 225 करोड़ रुपए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए 5 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग दिए गए हैं। चलिए मैं ऑप्शन आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूँ। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जापान। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। इनमें से आपको राइट आंसर देना है कि किस देश के साथ भारत ने शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए 5 जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज के इस वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम प्रोग्रेस अकेडमी है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें प्रोग्रेस अकेडमी के साथ।